शादी यानी विवाह के लीगल और सांस्कृतिक वैल्यूज को बताते हुए एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाज के अंदर होने वाली वैवाहिक समारोहों और रिचुअल्स जैसे सात फेरों, इनको सांस्कृतिक और लीगल लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक तरह की संस्कार है और एक बहुत ही पवित्र संस्कार सैक्रामेंट, जिसे भारतीय समाज में एक इंस्टीट्यूशन एक संस्था के तौर पर दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक शादी को केवल रजिस्टर कर लेना और सामाजिक समारोह और वैवाहिक समारोह जैसे सात फेरे का नाम लेने से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तौर पे हो सकता है कि उसे लेजिटिमेट यानी जायज ना माना जाए। जैसा आप जानते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था और इसके तहत कपल्स के बीच होने वाली विवाह को मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में एक्नॉलेज किया गया था। आज के टाइम में बहुत सारे कपल्स बिना सामाजिक और वैवाहिक समारोहों के, बिना सात फेरों के भी अपने आप को शादीशुदा मानते हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमेट नहीं है। इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 के अंदर इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं और प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के तौर पे आप इनको याद रखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सिलेक्शन आईएएस।